जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल सरबुलंद। एक दफा फिर आपके लिए एक वीडियो मैंने सोचा कि लेकर आऊं। जैसे हमने पहले लास्ट टाइम बात की थी, जिस वीडियो में हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, हमने पहले बात की कि किस टाइप की कंपनीज होती हैं, किस तरह के बैंक अकाउंट्स बनाए जाएंगे, किस तरह हम मार्केट प्लेसेस पे अकाउंट्स को बनाएंगे। ये सारी सीरीज हम लेके चले, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई, उसके बाद हमने पहले स्टेप के तौर पे, चूंकि हमें नंबर चाहिए होता है ओटीपी रिसीव करने के लिए, तो वो नंबर्स हमने जो है वो वाइक के सिम हमने बाय करना सीखी, चाहे वो यूके हो चाहे वो यूएस हो। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो ये बना रहे हैं कि किस तरह से हम यूके में जो कंपनी है जिसको हम यूके लिमिटेड कहते हैं, वो हम किस तरह से बनाएंगे। सो यूके लिमिटेड का आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। यूके लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको SH पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। सो अगर आपके पास पासपोर्ट अभी स्टेज पे नहीं भी है तो उसकी खैर है, लेकिन अगर आगे आप मार्केट प्लेस पे अकाउंट बनाना चाहेंगे तो फिर आपको पासपोर्ट लाजमी चाहिए है। सो इट्स बेटर कि आपके पास पासपोर्ट हो या ID कार्ड हो, दोनों ही चल जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट हर लिहाज से बेहतर आइडेंटिटी है। सो आज हम यूके लिमिटेड कंपनी बनाना सीखेंगे। सिर्फ £12 में वो कंपनी हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। 1 साल बाद उसकी एक रिन्यूअल आती है। अगर आपने कोई बिजनेस नहीं किया तो नॉर्मल रिन्यूअल होती है, जिसमें कंफर्मेशन स्टेटमेंट देनी पड़ती है और उसमें ये बताना पड़ता है कि जी हमने अगर कोई बिजनेस किया है तो वो बताना, और अगर नहीं किया तो जस्ट जो है वो £13 के करीब रिन्यूअल है, तो वो रिन्यूअल हम इसकी पे करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पुश करूंगा, सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जी सो मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया। हम सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। मैंने ईमेल यहाँ पहले अपनी ओपन की हुई है, और हम जो है वो इसी में करते हैं, यूके लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी, क्या मैं नॉर्मल पाकिस्तानी IP से हूँ? आप भी जिस भी जगह पे हैं उसमें कोई आपको किसी VPS या उसकी जरूरत नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। जहां भी हैं आप अपने सिस्टम से कंपनी बनाए। सो ये देखें, www.gov.uk, ये ओरिजिनल वेबसाइट है जहां से जाके आप आराम से खुद £12 खर्च के, बगैर किसी को कोई सर्विस चार्जेस दिए, आप कंपनी बना सकते हैं। ठीक है जी, सो रजिस्टर योर कंपनी के ऑप्शन पे हम आ गए, और उन्होंने आपको बताया कि आप कंपनी रजिस्टर करेंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, दैट कंफर्म्स द कंपनी लीगली एग्जिस्ट एंड शोज द कंपनी नंबर एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपके पास ये 3 इन्फॉर्मेशन हर वक्त होनी चाहिए, अगर आप जब भी कंपनी बनाना चाहेंगे। टाउन ऑफ बर्थ, मदर मेडन नेम, फादर फर्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर, एंड इट कॉस्ट 12 GBP एंड कैन बी पेड बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड। योर कंपनी इज यूजली रजिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स। सो £12 इसमें लगेंगे, उसके लिए आप कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं। और ये हम रजिस्टर नाउ की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं जी। सो अच्छा जी, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन। सो ऑब्वियसली हम एक नई एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं, सो वील से यस और कंटिन्यू। ठीक है जी, चेक बिफोर यू स्टार्ट, के वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, योर आंसर्स विल शो वेदर यू कैन यूज द सर्विस टू रजिस्टर अ लिमिटेड कंपनी, सेट अप कॉर्पोरेशन टैक्स, कंटिन्यू टू क्वेश्चंस। ठीक है, सो आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपैल? यस, कोई क्रेडिट कार्ड या पेपैल, ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ना कुछ तो है जिससे हम पे करेंगे। आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज आर सिक्योर रजिस्टर? ये एक ऐसा रजिस्टर होता है, मैं आपकी आसानी के लिए बताता हूँ, जिसमें किसी कोई क्रिमिनल या कोई और टाइप की इस तरह की एक्टिविटीज में जो लोग होते हैं, या उसी भी वजह से गवर्नमेंट उनको सिक्योर रजिस्टर पर डाल सकती है। तो इनमें से वो पूछ रहे हैं कि आपका कोई इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं है। सो विल से नो एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, अगला है जी, यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर ID
दिस कंपनी। सो हम कहते हैं जी क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी। सो हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं, ठीक है जी। वो ईमेल है जो मैंने वहां लॉगिन किया हुआ है, ताकि आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँ। सो एंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम देखते हैं हमें कोड आ गया है, तो हमें गवर्नमेंट गेटवे आईडी की तरफ से ये कोड रिसीव हो गया जी। इसको हम सिंपली यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट। कोशिश करें कॉपी पेस्ट के ऑप्शन यूज किया करें, ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना हो। ईमेल एड्रेस कंफर्म, ठीक है जी। सो दिस विल एनेबल अस टू हेल्प यू गेट द मोस्ट फ्रॉम दिस सर्विस। सो कंटिन्यू कर देंगे। सो व्हाट इज योर फुल नेम, ठीक है जी। सो कुछ भी कर देते हैं इसको, मैं आपको समझाने के लिए ही ये कर रहा हूँ। सो मैं लिखता हूँ जी, ठीक है जी, योर फुल नेम। नेक्स्ट क्रिएट अ पासवर्ड, हम एक पासवर्ड रख लेते हैं। ओके जी, एंड कंटिन्यू, ठीक है जी। पासवर्ड इज टू शॉर्ट, ओके okay. सो ये देखिए, साथ ही गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी हमें असाइन हो गई है, ईमेल एड्रेस उसने बता दिया है, और ये साथ साथ जब आप इधर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे भी ये चीज है। ये देखिए, आपको साथ ही गवर्नमेंट गेटवे आईडी भी मिल गई है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, सो यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड। सो आप टेक्स्ट मैसेज से कर सकते हैं, वॉइस कॉल से, और ऑथेंटिकेटर ऐप से। हमने जैसे वाई के सिम ली थी, तो हम टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी कर लें, ठीक है। यू नीड एन ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस, ये गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप होती है, आप वो कर लें। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप एसएमएस कर लें। सो वो कह रहा है कि सेटअप ऑथेंटिकेटर ऐप, और मैं ये अभी ऑथेंटिकेटर ऐप को इसके साथ सेटअप कर लेता हूँ। सो ये बिल्कुल नया ऑप्शन है, मैं भी आज पहली दफा देख रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी भी लर्निंग हो गई। सो मैंने ये क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, और साथ ही मेरे पास जो है वो उसने मुझे यहाँ पे कोड दिखाना शुरू कर दिया मेरे फोन में। सो एक्सेस कोड मेरा है 08400 5। कंटिन्यू जी। सो कह रहे इसके लिए आप नाम रख लें, तो मैं कहता हूँ जी यूके लिमिटेड, ठीक है जी, एंड कंटिन्यू। सो देखिए, यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, ये भी हो गया, एंड कंटिन्यू। सो बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद देखें। विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, सेम ईमेल एड्रेस जो मैंने दिया है, ठीक है। व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप अगर अपनी लिए बना रहे हैं, तो आपको यही सिलेक्ट करना है कि आप कंपनी डायरेक्टर है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, कि कोई कम्युनिटी वर्क आपने करना है, तो नो, ठीक है जी। सेव एंड कंटिन्यू। विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, सो लिमिटेड बाय शेयर्स। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से होगा। अब वो कह रहा है कि आप अपना एक नाम सजेस्ट करें। सो नाम फर्ज करें कि मैं कहता हूँ ए बी दुल लिमिटेड, फर्ज करें मैं कोई भी एक नाम रख देता हूँ, वो फिर चेक करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। एक चीज बहुत जरूरी है, आपने जब भी कंपनी बनानी है, ऑब्वियसली आप इंशाल्लाह उस पे कंपनी पे फिर आगे ब्रांड्स भी होंगे और बाकी काम भी आप करेंगे, तो कोशिश किया करें कि गो डैडी या इस तरह की जो भी वेबसाइट्स हैं उस पे जाके www से एक दफा डोमेन भी चेक कर लें, ताकि जो आप यहाँ नाम लें उसके पास आपके .com की डोमेन भी हो। सो ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए क्योंकि कर रहा हूँ, तो मैंने कहा जी अब्दुल अहद लिमिटेड, लिमिटेड भी कर सकते हैं और LTD भी कर सकते हैं। वो देखिए दोनों एक ही बात है, आपकी मर्जी है। सो मैं अब्दुल अहद LTD कर देता हूँ। सो जहां भी लिखे हैं नाम, फिर आपने इसको साथ ऐसे ही लिखना है, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है जी। सो समवन एल्स हैज ऑलरेडी चोजन दिस कंपनी नेम, यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये आपको नजर आ गया कि वो अब आपको ये नहीं करने दे रहा।
सो यू वॉन्टेड दिस एंड समवन ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिस, सो अब हम यहाँ डिफरेंट नेम से जाते हैं, ठीक है जी। तो हम सपोज करें अब्दुल आहद वन, ठीक है, हम अपनी तसली आसानी के लिए ये कहा। सो व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आपने यूके लिमिटेड बनानी है, आपने कंपनी को किसी भी इस्तेमाल के लिए यूज करना है, चाहे मार्केट प्लेस पे अकाउंट बनाना है, चाहे आप वैसे वहां बिजनेस करना चाहते हैं, तो यूके गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, ठीक है जी। एक प्रॉपर एड्रेस यूके में बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि वर्चुअल एड्रेस ना हो, वो फिजिकल एड्रेस हो। वर्चुअल एड्रेस में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक जैसा एड्रेस होता है, जब आप उसको मार्केट प्लेस पे फर्स्ट करें, अमेजोन पे यूज करते हैं, और एक दो मुख्तलिफ पहले कहीं वो यूज हुआ हो या कोई और भी यूज कर ले, तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। सो कोशिश ये करें कि एक यूनिक फिजिकल एड्रेस हो। उसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें पोस्ट कोड देना है। एक मैं फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट कोड मैं आपको दे रहा हूँ, सो ये यूके का पोस्ट कोड है, वो जो भी एड्रेस आपके पास हो आपने यहाँ पोस्ट कोड डालना है। फिर आपने फर्ज करें यूनिट 3 कर दिया, और आप मैनुअली एड्रेस एंटर कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कंप्लीट आकर आपने कहा जी प्रॉपर्टी का नंबर, वो यूनिट 3 कर दिया, एड्रेस लाइन 1, सो मैं कहता हूँ फ्लैट, ठीक है जी। अगर एड्रेस लाइन 2 आपके पास है तो ठीक है, और काउंटी भी आप यहाँ पर एंटर कर दें। ठीक है जी, और यहाँ पर पोस्ट कोड भी आप एंटर, ठीक है जी। सो जस्ट मैंने आपको एक वैसी आइडिया के लिए एक रैंडम एड्रेस डाला है, ताकि आपको पता हो कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, और ये आपको जरूरत नहीं है, आपने पोस्ट कोड ऊपर डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है जी। व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यूनिट 3, फ्लैट 25, स्क्वायर लंदन, और आप ये दे दिए एंड कंफर्म एंड कंटिन्यू, ठीक है। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, अब्दुल आहद वन लिमिटेड विल बी रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है जी। यही हमने सिलेक्ट किया और यही आपने सिलेक्ट करना, सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सेम, ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू। ये बस वन मोर वे टू कॉन्टेक्ट अब्दुल्ला, तो हम कहते थे हमसे ईमेल पे ही कॉन्टेक्ट कर, ठीक है। सो इज द कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, नो, हम बिल्कुल एक नई कंपनी बना रहे हैं। वेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप, फॉरन हम जब से बना रहे हैं तब से हम ये करते हैं, ठीक है जी। इन इज फर्स्ट 3 months विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, पे इंटरेस्ट, मेक रॉयल्टी पेमेंट्स, नो नथिंग, सिंपल, ठीक है जी, सेव एंड कर दी। अच्छा जी, सो व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, देखें यहाँ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मार्केट प्लेसेस पे कुछ लोग करते हैं, तो हम फर्ज करेंगे इस तरह के कुछ कोड चूज कर लेते हैं। अब वो नेचर ऑफ बिजनेस आप पे डिपेंड करता है, अगर हम 47990 कोड देखें तो वो कहता है अंडर रिटेल सेल, नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मार्केट, मतलब कि ऑनलाइन प्लेस पे। आप लिस्ट देख लें, उसमें से जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है आप वो वाला यूज कर लें, सेव एंड कंटिन्यू। चेक इन कंफर्म योर कंपनी विल बी डूइंग, ये उसने दोबारा एक दफा कंफर्म किया कि यही आपने सिलेक्ट करना है, हमने कहा जी यही करना है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। हैज एनीवन ऑन द एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनी फॉर प्रोटेक्शन, नो, वही जो सिक्योर रजिस्टर की बात थी, हमने कहा जी नो। अच्छा जी, अब डायरेक्टर डिटेल्स हैं। अब आपने मिस्टर फर्स्ट करें, फर्स्ट नेम इज अब्दुल एंड मिडिल नेम नहीं है और लास्ट नेम इज आहद, ठीक है। हैज द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर पर्पस इन द लास्ट 20 इयर्स, नो, एक ही नाम है। फर्स्ट का नेशनलिटी है, आप जो भी नेशनलिटी है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, जो भी है अपनी, वो आप नेशनलिटी लिखें, पाकिस्तानी आपने सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ है, सो 20 फर्स्ट करें 04 19 ये सब, ठीक है जी। सो जॉब टाइटल है जी,
फर्ज करें यहाँ यहाँ वर्कर्स, तो डायरेक्टर, तो देखें कंपनी डायरेक्टर, ठीक है जी, सेव रन करते हैं। सो व्हाट इज द कॉरपोरेट एड्रेस फॉर अब्दुल्ला? सेम एड्रेस, ठीक है जी, आपने वो ही एड्रेस लेके चलना है थ्रू आउट। सो व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर अब्दुल अहद? यहाँ पे अभी डिपेंड्स, नॉर्मली मैं अब आपको ये रिकमेंड करूंगा, होम एड्रेस आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं एक्चुअली वहां पर का एड्रेस आप करें, ठीक है? क्यों? इसकी वजह कि वो एंड में पूछेगा कि फिर आप कंफर्म करें कि आप इस एड्रेस पे रह भी रहे, तो वो फिर गलत हो जाता है क्योंकि आप रह नहीं रहे। तो आप इसमें करके होम एड्रेस डालेंगे। फर्ज करें कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का अगर है 54000, मैंने आपको दे दिया लैड फोर, क्योंकि यहाँ पर वो ऑटो अपडेट करता है तो हम मैनुअली ही डाल लेते हैं लैड फोर। इलेवन थ्री टेन, काउंटी की जरूरत नहीं है, कंट्रीज पाकिस्तान, पोस्ट कोड इज 54660, सेव करते हैं, ठीक है जी। सो कंफर्म द होम एड्रेस फॉर अब्दुल्ला हाल, सो मैंने उसको ये दे दिया और कंटिन्यू। सो होम एड्रेस डिफरेंट हो गया और ऑफिस एड्रेस डिफरेंट हो गया। डज अब्दुल आद वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल? यस, वी वांट टू रिसीव दैट। व्हिच ईमेल एड्रेस डज अब्दुल आद वांट टू यूज टू रिसीव ईमेल? सेम ईमेल, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर? नो। तो एक डायरेक्टर के साथ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो वो अब्दुल आद की सारी दे रहा है जी, ये नाम है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जॉब टाइटल, सारा कुछ उसने आपको दे दिया। ये वो जगह जहां मैं आपको कह रहा था कि कंफर्म वेयर डायरेक्टर लिव्स, तो हम रहते इस कंट्री में है और हमारा बिजनेस वहां है और हम एग्री करते हैं कि हम डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है, सेव एंड कंटिन्यू। यू आर अबाउट टू सेटअप कंपनी शेयर होल्डर्स? बिल्कुल, शेयर होल्डर्स हम बनाते हैं। इज अदर आर द शेयर होल्डर? यस, ठीक है जी, डायरेक्टर भी वही और शेयर होल्डर भी वही। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर? नो, ठीक है जी। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स? बिल्कुल, वो डिटेल्स हमने चेक करके कंफर्म एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स? यस। हाउ मेनी शेयर्स डज अब्दुल्ला ओन? वन शेयर, ठीक है जी, वो आपको अमाउंट की जरूरत नहीं, जस्ट वन शेयर करते हैं। वन शेयर की वैल्यू क्या है जी? 1 पाउंड है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसने पहले हमें डायरेक्टर की डिटेल्स दिखाई थी, अब उसने हमें शेयर होल्डर्स की डिटेल दिखा दी है। एक दफा इसको रीचेक करना है आपने अपने केस में, बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना है क्योंकि ये फिर आपके साथ ही है, कंपनी आपकी। सो पर्सनल सिग्निफिकेंट कंट्रोल वो होता है जिसके पास सारा अख्तियार होता है डायरेक्टर्स को लाने का, रिमूव करने का, वो सारा। सो फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर्स वी नो दैट अब्दुल अहद इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है, अब्दुल अहद ही है। सो द अब्दुल अहद हैज द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजोरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स? यस, इसके पास टोटल कंट्रोल है। चेक एंड कंफर्म डिटेल्स ऑफ पर्सन इन कंट्रोल, वो अब्दुल अहद है और उसकी भी हमने सारी मालूम करके हमने यहाँ पे कंफर्म कर, ठीक है जी। अच्छी तरह पढ़ना है, लाजमी इन चीजों को आपने बार बार देखना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डू यू वांट टू यूज? एक दफा लाजमी आपने यस इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी? यस, सेवन। क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर अब्दुल अहद? अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। सो टाउन ऑफ बर्थ है, फर्ज करें कि मैं अगर मुल्तान है तो MUL कर दिया। फादर्स नेम है तो MUH मोहम्मद के फर्स्ट 3 लेटर। टेलीफोन है जी, मैं कहता हूँ जी मेरा टेलीफोन है 762 से शुरू होता है। और ये तीन हमने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी, आपने याद भी रखनी है, आपने बस नोट भी करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चेक योर आंसर्स, मैंने जो है वो ये सारा एक दफा दोबारा गो थ्रू किया और कंटिन्यू। सो कंपनी बिजनेस एक्टिविटी वो हमने जो उस वक्त सेलेक्ट की थी ये वो ही दे दी अब्दुल्ला, ये सारी बार बार वो आपको डिटेल दिखाता है। ये एक फाइनल पेज है जहाँ पे वो आपको सारी डिटेल्स दिखा रहा है, आपने अपने केस में अच्छी तरह चेक करनी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ
आई अंडरस्टैंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कांट बी चेस्ड आफ्टर आई प्रोसीड सो कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। सो ये एप्लीकेशन चली गई। यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 pounds। सिंपल इतना सा काम था। कई 100 डॉलर आप सर्विस चार्जेस दे देते हैं एक कंपनी बनाने के लिए, तो बिल्कुल सादा सा काम है। खुद बनाए कंपनी, अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पे करें और हमें दुआएं दें। मेक पेमेंट, और मेक पेमेंट में कहता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है उस पे जाएं, यहाँ आए, यहाँ अपना नंबर एंटर करें, एक्सपायरी डेट, नेम ऑन कार्ड, सीवीवी, बिलिंग एड्रेस, कंटिन्यू, पेमेंट हो गई और आपकी कंपनी बन गई। उसके मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी मेल पे रिसीव हो जाएंगे और आप एक यूके कंपनी के मालिक बन गए। सो आई होप ये आपके लिए बहुत आसान था। मैंने बिल्कुल हर चीज प्रैक्टिकल आपको करके दिखाई है ताकि आप लोगों को ये ना हो कि कोई फ्री में सिखाता तो वो बुरा नहीं सिखाता। हम फ्री में सिखा रहे हैं आपको, अल्लाह के लिए सिखा रहे हैं, आपसे सिर्फ दुआओं के तरफदार हैं। खुद भी कंपनी बनाएं, लोगों के लिए कंपनीज बनाएं, उनको सर्विस दें, एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग सम वर्क। उम्मीद है कि आप जो है वो दुआ में जरूर याद रखेंगे मुझे भी, और खासतौर पर जिशान उस्मानी भाई को जिन्होंने ये सारा इनिशिएटिव लिया है मर्जिंग टेक्नोलॉजीज का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।